हॉलीवुड स्टार रॉबर्ट डाउनी जूनियर को इंडियन ड्रेस में देखकर आप भी हैरान हो गए होंगे। दरअसल ये सीन फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग का है, जिसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर को इंडिया आते दिखाया गया। इस सीन के बाद सवाल उठे कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर आखिर भारत क्यों आए। इस बात को लेकर अब कई अटकलें लगाई जा रही है। कोई कह रहा है कि हो सकता है कि वो अपने नए मिशन पर भारत आए। हद तो तब हो गई जब ये सुनने मिला कि सिविल वॉर फिल्म में बुरी हालत हो जाने के बाद अपने दिल की शांति के लिए, संस्कृति, शांति और भाईचारे के लिए जाने जाने वाले भारत का दौरा करने का फैसला उन्होंने लिया। वेल, ये तो हो गई फिल्मी बात। अब बात हकीकत की करें तो ऐसे कई फेमस अरबपति और लोग हैं जिनका भारत दौरा यादगार रहा। तो आइए डालते हैं ऐसे ही कुछ मशहूर हस्तियों के भारत दौरे पर। लिस्ट में पहला नाम है विल स्मिथ का। पिछले महीने 94वें अकादमी पुरस्कार समारोह के मंच पर कॉमेडियन क्रिस रॉक को थप्पड़ मारने के बाद विल स्मिथ विवादों में घिर गए। इस घटना के बाद 23 अप्रैल 2022 को हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। हालांकि इस बार विल स्मिथ किस कारण भारत दौरे पर आए, इसे लेकर अभी भी कोई जानकारी सामने नहीं आई। इस दौरान वो हरिद्वार भी गए, जहां की कुछ तस्वीरें उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की और कहा, मेरी दादी कहा करती थी, भगवान अनुभव के माध्यम से सिखाते हैं। भारत की यात्रा और रंगों, लोगों और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने से मेरी कला और दुनिया की सच्चाई के बारे में एक नई समझ जागृत हुई है। अगला नाम आता है टेस्ला कंपनी के CEO इलॉन मस्क का। वैसे तो इलॉन ने साल 2007 में भारत का दौरा किया था। इस दौरान वे ताजमहल और लाल किला देखने भी गए। भारत का रंग उन पर ऐसा चढ़ा कि आज भी वो उन दिनों को भुला नहीं पाए। हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन ने ट्विटर पर कहा कि वो भारतीय वास्तुशिल्प को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मस्क ने कहा, भारतीय वास्तुशिल्प बेजोड़ है। मैंने 2007 में भारत की यात्रा की थी और ताजमहल देखा था। ताजमहल वास्तव में दुनिया के अजूबों में से एक है। मस्क ने हिस्ट्री डिफाइंड को जवाब देते हुए ये ट्वीट किया। इस ट्वीट के बाद उनके भारत यात्रा पर वापस आने की अटकलें लगनी शुरू हुई है। इनके अलावा अमेरिका के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट ने साल 2011 में इंडिया का दौरा किया था। कहा जाता है कि एशिया में इन्वेस्टमेंट अवसरों को जानने और समझने के लिए उन्होंने ये विजिट किया था। दुनिया के सबसे बड़े ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न के संस्थापक और CEO जेफ बेजोस की बात करें तो उन्होंने एक नहीं बल्कि दो बार इंडिया का विजिट किया। पहली बार ये साल 2014 में फ्लिपकार्ट के टेकओवर के लिए भारत आए और दूसरी बार साल 2020 में वे 3 दिवसीय भारत दौरे पर आए। इस मौके पर वो पहले राजधानी नई दिल्ली में राजघाट स्मारक पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। बेजोस ने इसका एक वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, ऐसे व्यक्ति को श्रद्धांजलि दी जिसने सही मायनों में दुनिया को बदल दिया। बेजोस इस दौरान भारतीय परिधान में नजर आए। छोटे और मध्यम बिजनेस के लिए ऑनलाइन रिटेलर के 2 दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए वो भारत दौरे पर आए हुए थे। देश और दुनिया की ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।